गुड इवनिंग एवरीवन। देखो, चालू होने से पहले एक बच्चे का मैसेज आ गया है कि सर प्लीज एक्सप्लेन फेज कांस्टेंट। भैया, फेज कांस्टेंट की बात अभी तक हमने करी नहीं, जस्ट एक नाम लिखा था, उसके बाद और कोई बात करी नहीं है। तो एज आई सेड कि भाई आपको सीखना है तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रह के काम करेंगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि मैंने फेज कांस्टेंट पढ़ाया, अपन आगे बढ़ गए, अब मैं बात ही नहीं करूंगा कि फेज कांस्टेंट क्या होता है। मैंने सिर्फ हेडिंग लिखी है कि फेज कांस्टेंट एक चीज है जिसकी अब हम बात करेंगे। यश मोहित, थैंक यू फॉर आस्किंग कि फीलिंग बेटर फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। यस, तो विल बी स्टार्टिंग विद द फेज कांस्टेंट टुडे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। आप प्लीज सभी लोग जो हैं थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपने आप को कंसंट्रेट करें। अदर देन चैटिंग मैं बहुत ज्यादा मैसेज नहीं पढ़ सकता एक साथ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारे मैसेजेस के आंसर दिए थे जिनको अननेसेसरी क्वेश्चंस थे, तब भी मैंने आंसर दिए थे। हर क्वेश्चन का आंसर मैं चैट में पढ़ के नहीं दे पाऊंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि आप लिखेंगे मैं पढ़ूंगा। देखो, एक ही काम कर सकता हूँ मैं तो, या तो मैं लिख सकता हूँ या मैं पढ़ा सक लिख लिख के पढ़ा सकता हूँ या मैं पढ़ के आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, दोनों काम एक साथ होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज चार आंख और चार हाथ नहीं है मेरे पास। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा समझें कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा सीखने के लिए। आप नहीं रख सकते तो आपके लिए नुकसानदायक है। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी। कुछ चीजों में जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, राइट? ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन के बारे में हम बाद हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन है कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ इक्वल टू माइनस के एक्स इज द ओनली टर्म जो कि हमें पढ़नी है। एक्स की पावर ऑड में ऑसिलेशन मिलते हैं, हमें दुनिया भर के ऑसिलेशन डिस्कस नहीं करने हैं, हमें सिर्फ वही ऑसिलेशन डिस्कस करने हैं जहां पे फोर्स की जो वैल्यू है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है, या फिर बहुत और ज्यादा अच्छे से बोला जाए जो एसटीएम की एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो ये है कि जो एक्सेलरेशन है इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, और जो कांस्टेंट होता है दैट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। और एक चीज हमने सीखी थी यहाँ पे कि हम एफ इक्वल टू के एक्स, एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है जो कि हम स्प्रिंग के केस में भी पढ़ते हैं। तो स्प्रिंग के केस में जो आपके पास एफ इक्वल टू के एक्स जो रीस्टोरिंग फोर्स है और F इक्वल टू के एक्स जब आप एस एच एम में लिख रहे होते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। जब आप स्प्रिंग फोर्स लिख रहे होते हैं तो आप सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लिख रहे होते हैं, जब आप एस एच एम में फोर्स लिख रहे होते हैं तो आप बॉडी पे नेट फोर्स लिख रहे होते हैं। तो हमें ये देखने को मिला कि जब स्प्रिंग फोर्स में हम के इंटू एक्स लिखते हैं तो जो एक्स मेजर किया जाता है, जो एक्स वहां पे वेरिएबल है, दैट इज मेजर फॉर द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। और जब हम एफ इक्वल टू के एक्स नेट फोर्स की बात करते हैं तो वो एक्स निकल के आता है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन। और यहाँ पे मैंने एक बात क्लियर करी थी कि वॉट इज मीन्ड बाय मीन पोजीशन ऑब्लिक इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मीन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब यह है कि जहां पे पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो रहा हो उस पोजीशन को हम लोग मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। एक्स बराबर जीरो हो भी सकती है और एक्स बराबर जीरो नहीं भी हो सकती है, दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये नहीं बोलना है कि भाई एक्स बराबर जीरो ही मीन पोजिशन है, एक्स बराबर जीरो हो भी सकती है और एक्स बराबर जीरो नहीं भी हो सकती है, दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है, चलिए। तो जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम की हमने बात करी थी। हमने लिखा था कि भाई एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, तो एम ए लिखा था हमने एफ को। एफ को एम ए क्यों लिखा, क्योंकि नेट फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, ऐसा हमें न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है। तो यहां से मुझे एक्सेलरेशन मिला माइनस के बाय एम इंटू एक्स, और माइनस के बाय एम इंटू एक्स से में एक्सेलरेशन को हमने लिखा कि डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजिशन गिव्स यू द एक्सेलरेशन, प्लस के बाय एम यहाँ से आ गया और ये एक्स यहाँ से आ गया इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें समझना है। सॉरी, ये जो आपके पास इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इसका सॉल्यूशन आता है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको डबल डिफरेंशिएट करके कि हाँ वही पहुंचेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हमें आता है लेकिन इंटीग्रेशन हमें अभी उस लेवल का नहीं आता है कि हम यहाँ तक पहुंच सके। ठीक है,
फिर भी मैंने कहा था कि भाई कई लोगों को अगर क्यूरियोसिटी है कि ये कैसे आता है तो आप एक बार एससी वर्मा से इसका देख सकते हैं कि प्रूफ है, जिन लोगों को क्यूरियोसिटी है वो पढ़ के आप पहचान सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपके पास ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें हमने रूट के बाय एम एक्चुअल में इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये वाली आती कि x इज इक्वल टू ए साइन रूट के बाय एम इंटू टी प्लस फाइव। अब होता क्या है कि साइन आपके पास एक रिपीटेटिव फंक्शन है और रिपीटेटिव फंक्शन में आपके पास जो चीज रिपीट हो रही है वो रिपीट होने वाली चीज जो है हमारे पास वो ये है, दिस टर्म इज रिपीटेटिव, ठीक है, रूट के बाय एम इंटू टी। तो ये टर्म हमारे पास रिपीटेटिव है, तो इसके हिसाब से हमने देखा कि भाई ये जो है अपना टाइम रिपीट करेगा अपने आप को इसके हिसाब से। तो साइन का फंक्शन हर 2π पीरियड के बाद रिपीट होता है, तो हमने लिखा कि भाई आपके पास ये जो फंक्शन है रूट के बाय एम इंटू टी, अगर हम इसको 2π के बराबर कर दे तो क्या ये आपके पास एक टाइम पीरियड हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ से मेरे पास आ गया था t इज इक्वल टू 2π इंटू अंडर रूट ऑफ एम बाई के, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके पास साइन का फंक्शन 2π के पीरियड को फॉलो करता है, दैट इज द रीजन, ठीक है। और बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग जब यहाँ पे सुन रहे हैं तो प्लीज अपने कान खुले रखें, आंखें स्क्रीन पर रखें, आजू बाजू कोई चिल्ला रहा हो, कोई बुला रहा हो, कोई भाई आपकी टांग खींच रहा हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। वो टांग खींच लेगा, आप उसकी पिटाई बाद में कर लेना, पहले पढ़ाई कर ले, ध्यान स्क्रीन पर रखिएगा और आवाज मेरी सुनिएगा और किसी की नहीं सुनिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमने एक बात करी थी कि हम बात कर रहे हैं फेज कांस्टेंट के बारे में, कि फेज कांस्टेंट क्या होता है, कैसे हम इसको डिफरेंट सिचुएशंस में निकाल सकते हैं और क्या इसकी वैल्यूज हो सकती हैं। चलिए तो यहाँ पे आपके पास जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी भाई, जनरल इक्वेशन आ गई थी हमारे पास एक्स इज इक्वल टू, अरे भाई बता रहे ना यार क्या कह रहे, तुमसे कह रहे सबर सबर कर लो भाई, अथर्व भाई सबर कर ले, कह रहे हैं सब बता रहे हैं, खत्म कर दिया मैंने फेज कांस्टेंट, अभी मैंने बोला कि रुक जाओ लेकिन नहीं मानेंगे हम, हो गई चैट शुरू, बस टक 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 हो गया, शुरू हो गया हमारे पास। या तो एक काम करता हूं, मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मैं चैट बॉक्स ही बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के, ये लीजिए अब आपको चैट बॉक्स तभी शुरू होगा जब मैं पढ़ा दूंगा, तुम लोग मानते नहीं हो यार, बच्चे थोड़ी हो यार, तुम 11वीं के बच्चे थोड़ी हो, बड़े हो गए हो, 12वीं में आ गए हो भाई, थोड़ा बहुत समझदार हो गए। लीजिए तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आपके पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें जो टर्म आज समझनी है वो टर्म है हमारे पास फेज कांस्टेंट। क्या है फेज कांस्टेंट? फेज कांस्टेंट हम किसको कह रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं फाइव को, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक पार्टिकल है, क्या है एक पार्टिकल है जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, x इक्वल टू प्लस ए और x इक्वल टू माइनस ए। अच्छा ये x इक्वल टू प्लस ए और x इक्वल टू माइनस ए मैंने कैसे लिखा है, इस बात को समझते हैं, चैट करने से ज्यादा समझने पे ध्यान में, इसलिए मैंने चैट बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए आप, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो ये साइन का टर्म है, साइन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, प्लस वन से माइनस वन या माइनस वन से प्लस वन आप कह सकते हो, इसकी रेंज होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन होती है, साइन की मिनिमम वैल्यू माइनस वन होती है, राइट। तो प्लस वन अगर आप यहां पे पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एक्स इक्वल टू प्लस ए, और माइनस वन अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एक्स इक्वल टू माइनस। तो एक्स की जो लिमिट्स है आपके पास इस इक्वेशन के हिसाब से वो वेरी कर सकती है एक्स इक्वल टू माइनस ए से एक्स इक्वल टू प्लस ए के बीच में, ठीक है। ये जो दो पोजीशन हमने यहाँ पे लिखी है बाहर वाली, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं एपी, और जो बीच वाली पोजीशन है इसको हम बोलते हैं भाई मीन पोजीशन। मीन और एक्सट्रीम के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, और अगर इस इक्वेशन से अगर हम देखेंगे तो एम्पलीट्यूड मुझे ये वाली टर्म दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। नाउ I am given a situation जिसमें मुझे निकालना है phi की value. Let's suppose कि हमारे पास एक situation इस तरीके से है, और ये हो गया हमारे पास x equal to 0, ठीक है।
आपको क्या दिया है, आपको ये दिया है कि t बराबर जीरो पे, आपको गिवन है कि t बराबर जीरो पर पार्टिकल की जो है इट इज एट x इक्वल टू जीरो, पार्टिकल इज एट x इक्वल टू जीरो, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ, इट इज गिवन, जो भी व्हाइट कलर से लिखा हुआ है ये आपको गिवन है, ठीक है, मैं लिख देता हूं साइड पे, गिवन मतलब व्हाइट कलर से जो भी मैंने सवाल में लिखा है इट इज गिवन टू अस। आपको क्या गिवन है कि टी बराबर जीरो पे पार्टिकल इज एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड हैज वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, तो पार्टिकल आपके पास x बराबर जीरो पे है और वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई, ठीक है, और फाई क्या बताता है, फाई के बारे में मैंने आपको बताया था, फाई आपको यही बताएगा कि आपके पास t बराबर जीरो पे, देखिए फेज कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू जीरो, t बराबर जीरो पे पार्टिकल कहां था और कहां जा रहा था, दोनों चीजों को कंबाइन करके आपको फाई मिलेगा। चलिए अब एक चीज और यहां पे सीख लेते हैं कि फाई की वैल्यू कहां से कहां के बीच में आ सकती है, इसको समझते हैं भाई। अगर हम एक इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन क्या है मेरे पास, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, अगर मैं इसमें टी बराबर जीरो पुट कर दूं, इस इक्वेशन में t इक्वल टू जीरो पुट कर दे तो क्या आएगा, x इक्वल टू a साइन जीरो प्लस फाइव, ठीक है, अब फाइव जो है आप इसको ध्यान से देखिए, क्या ये साइन के अंदर की टर्म, साइन के अंदर की टर्म अपने आप को कब रिपीट करेगी, साइन के अंदर की टर्म अपने आप को रिपीट करेगी हर टू पाई के इंटरवल के बाद, भाई आप साइन जीरो लिखिए या साइन टू पाई लिखिए या साइन फोर पाई लिखिए या साइन सिक्स पाई लिखिए साइन एट पाई लिखिए, क्या सेम आएगा, अगर आपको पाई में नहीं समझ में आता है रेडियंस में तो आप डिग्री में समझ सकते हैं कि साइन जीरो साइन 360 720 1080, इस तरह से जो भी आपके पास 360 के बाद, हर 360 के बाद क्या वैल्यूज रिपीट होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है, तो यहाँ पे जो फाई है, फाई आपको हमेशा बताना है इन बिटवीन जीरो एंड टू पाई, ये देखिए इन दो वैल्यूज के बीच में आपको फाई बताना, जीरो आपके पास लोएस्ट वैल्यू है, टू पाई आपके पास, टू पाई पे ध्यान से देखो मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब समझते हैं आपको, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब यह है कि आपके पास पार्टिकल जो है वो जो आपके पास है ये इंक्लूडेड वैल्यू है, ओपन ब्रैकेट ये आपके पास जो कर्व्ड वाला ब्रैकेट है यानी कि ये वैल्यू आपके पास इंक्लूडेड नहीं है, क्यों मैंने टू पाई इंक्लूड नहीं किया, टू पाई और जीरो और सेम चीज, ठीक है, आप साइन फाई लिखिए और टू पाई प्लस फाई लिखिए, दोनों में कोई फर्क नहीं, ठीक है, तो फाई का आपको हमेशा आंसर देना है इन बिटवीन जीरो एंड टू पाई, पहली चीज समझने की ये, ठीक है, तो फाई हमेशा जीरो और टू पाई के बीच में ही आंसर देना है, इसके बाहर आंसर नहीं देना है, बेवकूफी मत करिएगा बाद में, ठीक है, नाउ आगे समझते हैं इसको भाई, हमें सवाल में क्या दिया हुआ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि t बराबर जीरो पे पार्टिकल कहां है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट एट t इक्वल टू जीरो पार्टिकल इज एट x इक्वल टू जीरो, इट इज गिवन टू अस, तो पार्टिकल अगर x इक्वल टू जीरो पे है तो मेरी इक्वेशन क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू a साइन जीरो प्लस फाइव, a बराबर x बराबर 0 है तो a sin phi, यहां से मुझे मिला कि sin phi is equal to 0, अब sin phi 0 है और phi की वैल्यू लाई कर सकती है इन बिटवीन 0 टू 2 pi, अब sin theta 0 से 360 के बीच में कहां कहां पे 0 होता है, ग्राफ देखिए ये 0 है, ये 180 है और ये 360 है, लेकिन 360 वाला एंगल काउंट नहीं करना है क्योंकि वहां पे ओपन ब्रैकेट है, वो जीरो के बराबर ही होता है, सेम चीज रिपीट होती है, तो रिपीटेटिव वाले फंक्शन अपने को वैल्यूज नहीं लेनी है, हम यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लिखने नहीं बैठे, हम एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालने बैठे, एक पर्टिकुलर वैल्यू को ही फेज कॉन्स्टेंट कहते हैं, जनरल वैल्यू नहीं निकालनी है,
तो 0 और 180 आपके पास दो वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ये जो ग्राफ है साइन का, तो फाई की दो वैल्यू मेरे को मिली, एक मिला फाई इज इक्वल टू 0 और एक मिला फाई इक्वल टू 180, ये डिग्री में लिखा है मैंने, या फिर आप लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 0 रेडियन और फाई इज इक्वल टू पाई रेडियन, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाई की दो वैल्यू मिली मेरे को, एक 0 मिला एक पाई मिला। अब दोनों वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, दोनों में से एक ही वैल्यू हमें लेनी है, एक ही वैल्यू को हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो दोनों में से कौन सी वैल्यू मुझे लेनी है उसका मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, और दो में से एक वैल्यू को डिसाइड करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा किसके पास, वेलोसिटी के पास। वेलोसिटी डिसाइड करेगा कौन सी बात सही है, 0 सही है कि पाई सही है, ठीक है। तो पूरा मेथड समझ लेते हैं एक बार। एक्स मेरे पास क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज इक्वल टू ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर वाली चीज को मैंने एज इट इज रखा, अभी मैंने इस फंक्शन में किसी भी चीज को डिफरेंशिएट नहीं किया है, इसको अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ओमेगा, इसके डिफरेंशिएशन से मिलेगा मुझे ओमेगा। देखिए तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया आपके पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब सवाल में आपको क्या दिया गया है, सवाल में आपको दिया है कि t बराबर 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन, यस और नो, t बराबर 0 पे पार्टिकल की वैल्यू पॉजिटिव। तो अभी मैं इस वेलोसिटी की इक्वेशन में t बराबर 0 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू a ओमेगा cos 0 प्लस फाइव इक्वल टू a ओमेगा cos फाइव, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास v इज इक्वल टू a ओमेगा cos phi, ठीक है। नाउ phi इक्वल टू 0, cos कितना 1, cos 0 1 होता है, phi इज इक्वल टू 180, cos 180 कितना होता है माइनस 1 होता है। तो आपके पास एक phi की वैल्यू पे तो वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, एक पे नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव किस पे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है हमारी वेलोसिटी इस वाली वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे और इस वैल्यू को कर देंगे हम रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आप कॉस फाई की वैल्यू अगर माइनस वन पुट करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास माइनस ए ओमेगा आए, और अगर आप फाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास ए ओमेगा आए, ठीक है। तो मेरे को कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करनी चाहिए, 0 या 180, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए 0, और अगर मैं 0 एक्सेप्ट करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, माय आंसर विल बी कि फाई जो है आपके पास इसकी वैल्यू 0 है। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जनरल इक्वेशन क्या थी हमारे पास, जनरल इक्वेशन थी एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसमें आप phi इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो इक्वेशन मिल जाएगी आपको x इज इक्वल टू, एक मिनट, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। तो इस पूरे को कॉपी कर लीजिए यहां से लेकर के, अब किसी का कोई डाउट है तो अब पूछिए, या अभी भी रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, अभी भी नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, तुम लोग बहुत बेसब्रे हो। ये आ जाएगा a साइन ओमेगा t, ठीक है। चलिए मैंने एक केस लिया था, एक केस मैंने क्या लिया था कि मेरे पास ये सिचुएशन है कि हमारे पास पार्टिकल जो है t बराबर 0 पे x बराबर 0 पे था, और t बराबर 0 पे x बराबर 0 पे लेकिन वेलोसिटी कैसी थी, पॉजिटिव। मैं एक और केस ले रहा हूं टू डिफरेंशिएट, ताकि तुम लोग को अच्छे समझ में आए और तुम्हारा जो है दिमाग में कोई चीज बैठे और तुम्हें पेशेंस भी डेवलप हो, डेवलप तो करवाना ही पड़ेगा, मुझे ही करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी जो है वो इस तरफ, मान लीजिए ऐसा दिया है। अब सिचुएशन क्या दी है कि t बराबर 0 पे पार्टिकल x बराबर 0 पे ही है लेकिन वेलोसिटी दे दी है आपको नेगेटिव, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन पे चलेंगे हमारे पास कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव,
पुट करेंगे टी बराबर जीरो पे, एक्स बराबर जीरो गिवन है, मुझे क्या मिलेगा, जीरो इज इक्वल टू ए साइन जीरो प्लस फाइव, तो साइन फाइव इज इक्वल टू जीरो, साइन फाइव जीरो मिला तो मुझे फिर से वही सॉल्यूशंस मिलेंगे जीरो से टू पाई के बीच में, एक तो फाइव बराबर जीरो और एक फाइव बराबर पाई या फिर 180, पाई या फिर 180 डिग्री, तो पाई रेडियन या फिर 180 डिग्री, जो भी आप लिखना चाहते हो। दोनों में से एक चीज मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, दोनों में से एक चीज सिलेक्ट क्या करनी पड़ेगी मेरे को, वो ये है, कौन बताएगा मुझे, कौन डिसाइड करेगा, डिसाइड करने वाला फैक्टर है हमारे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, अभी हमने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था वही कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, टी बराबर जीरो पे, ये क्या हो रहा है, टी बराबर जीरो पे वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ए ओमेगा कॉस फाइव, अब अगर मैं फाइव बराबर जीरो रखता हूं तो वेलोसिटी मिलेगी पॉजिटिव, और फाइव बराबर 180 पुट करेंगे डिग्री में तो वेलोसिटी क्या मिलेगी, नेगेटिव। इस बार मुझे कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, इस बार मुझे सॉल्यूशन चाहिए जो कि वेलोसिटी नेगेटिव दे, देख पा रहे हो, यस और नो, तो फाइव बराबर जीरो और फाइव बराबर 180 में मुझे कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, फाइव बराबर 180 में मुझे इस बार वैल्यू एक्सेप्ट करनी चाहिए फाइव इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो मेरी SHM की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, रेडियन में रखना है तो, और अगर डिग्री में रखना है तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री, ये रेडियन में है और ये डिग्री में है, किसी में भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, तो ये दो केस मैंने आपको समझा दिए, दोनों में मैंने आपको फाई निकाल के बताया है, कहानी यहां खत्म नहीं हुई, ये मैंने सिर्फ शुरुआत कराई है दो एग्जाम्पल से, बाकी सवाल मैं आपसे करूंगा, ठीक है, तो फाई आपको ये बताता है कि टी बराबर जीरो पे पार्टिकल कहां था, किस तरफ जा रहा था, पोजीशन चेंज करोगे तो फाई चेंज होगा, सेम पोजीशन पे आप वेलोसिटी चेंज कर दोगे तो भी आपके पास फाई चेंज होगा। देखो पहला केस मैंने क्या लिया था, पहला केस मैंने लिया था कि टी बराबर जीरो पे एक्स बराबर जीरो है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, फाई अलग आया, टी बराबर जीरो पे एक्स बराबर जीरो है लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है, फाई चेंज हो गया, तो फाई वेलोसिटी चेंज करने से भी चेंज होता है, सिर्फ पोजीशन नहीं, पोजीशन के साथ साथ वेलोसिटी क्या है इस बात पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए अब जिसको डाउट होगा वो हैंड रेज करें, उनसे बात करके उनका डाउट रिजॉल्व करें, थोड़ी देर जो है जिनके हाथों में खुजली हो रही है उनको जो है थोड़ा सा टाइप करने के लिए छूट दे देते हैं। सर मेरा डाउट पहले लेक्चर के उसमें जो फेस कौन से, हाँ मुझे पता है तुम्हें a by root 2 वाली वैल्यू पे डाउट है ना, अभी निकालेंगे ना, अभी हमने सिर्फ x बराबर 0 पे निकाला, बाकी तुमसे निकलवाएंगे, सेम तरीके से आपको निकालेंगे, ओके सर, ये लीजिए यहाँ से, ये पहला यहाँ से शुरू किया अपन ने आज, और किसी को डाउट है तो आप प्लीज हैंड रेज करिए, अब पूछिए, मुझे पढ़ाने में लगातार बोलना पड़ता है, नहीं बोलूंगा मैं खुद भूल जाऊंगा मैं क्या पढ़ा रहा था, वे 23 है ना, बहुत चलेगा अभी, अभी तो और चलेगा सर, हाँ जी सर, फाइव का रेंज 0 से 2 पाई तक क्यों लेनी है हमें, यहाँ पे देखो जैसे ही मैं फाई क्या बताता है कि टी बराबर जीरो, ये म्यूट ना करें अपने आप को नहीं तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा, आपको ये देखिए कि टी बराबर जीरो पे वो पार्टिकल कहाँ, यही बताता है ना फाई, यस सर, बोलो है ना, तो फाई अगर आपको यही बता रहा है तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, ए साइन फाई आ गया टी बराबर जीरो पुट करके, बोलो तो टी बराबर जीरो पुट करते आपके पास ए साइन फाई आ गया, साइन का फंक्शन कितने एंगल के बाद रिपीट होता है, 2 पाई,
टू पाई, तो टू आप फाई की वैल्यू टू पाई रखिए या टू पाई प्लस थीटा रखिए या टू पाई प्लस थीटा रखिए, बात तो सेम है। फाई की वैल्यू, फाई की वैल्यू आप 30 रखिए या 30 प्लस 360 रखिए, या मतलब ऐसे कैसे कैसे करते हैं कि 30 रखिए या 360 प्लस 30 रखिए, बात तो सेम ही है ना। तो हमें यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज नहीं चाहिए, वी आर नॉट राइटिंग द जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशन आप ट्रिग्नोमेट्री में लिखते थे, हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए जो हमें इंफॉर्मेशन दे कि पार्टिकल टी बराबर जीरो पे कहाँ है और किस तरफ जा रहा है, हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, ठीक है? ओके सर। अमन कुमार जांगिड़। सर मेरा डाउट ये है कि इस वेलोसिटी को कैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिव लेनी है पॉजिटिव लेनी है? सवाल में दिया है ना, पहली बार में सवाल में ये दिया कि पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये दिया हुआ है। इसके हिसाब से थीटा पॉजिटिव लेना है। हां भाई ऑब्वियसली बात है, इंफॉर्मेशन तो सवाल में देनी पड़ेगी ना। अच्छा है ना, ओके सर। हाँ भाई यश। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ बिल्कुल ऑडिबल है, तभी आपसे बात कर रहे हैं सर। ये x is equal to zero mean position है, अभी के केस में हमारे लिए मean position है, लेकिन हमेशा रहेगा ऐसा जरूरी नहीं सर। तो अभी के केस में हम इस इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट करके भी एंगल निकाल सकते हैं ना? डबल डिफरेंशिएट करके एंगल नहीं निकलेगा, एंगल गायब हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो डाल देंगे, नहीं होगा। एक्सेलरेशन जीरो डाल दोगे तो उससे क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो आपके पास एक ही पोजिशन पे दो बार होगा, इधर भी और इधर भी, अगेन दो वैल्यू मिलेगी। ओके सर। हाँ भाई आप बोलिए। हेलो लक्की भैया, हैंड रेस कर लो। हाँ लक्की बोलिए। सर मेरा ये डाउट है, जो वेलोसिटी सर मेरे को समझ में आया कि कैसे है, बट सर इसे फाई की वैल्यू समझ में नहीं आई सर। वाट्स? एक मिनट। हाँ बोलिए सर। मेरे को वेलोसिटी से फाई की वैल्यू समझ में नहीं आई सर। भाई वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया अपने पास, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। यस सर। कैसे आया भाई? हमने एक्स को डिफरेंशिएट किया, एक्स में आपके पास साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस हो गया। यस सर। है ना, और उसमें आपके पास जो है जो ओमेगा टी प्लस फाई वाला है उसमें ओमेगा तो आ गया बाहर और फाई का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। फाई का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है। यस सर। ये बात समझ में आ गई आपको, है ना? यस सर। ना अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये ए ओमेगा कॉस फाई आया। यस सर। अब मेरे पास फाई की दो वैल्यूज है, एक जीरो है और एक 180 है, और वो दो वैल्यूज मुझे कहां से मिली? एक्स से मिली। यस सर। अब ये दो वैल्यूज को मैं इसमें पुट करके देखूंगा। आप जीरो पुट करिए। यस सर। तो कॉस फाइव कितना मिला? वन। यस सर। कॉस जीरो वन होता है? यस सर। होता है कि नहीं होता है? यस सर। और कॉस फाइव कितना होता है? कॉस 180 कितना होता भाई? माइनस वन सर। हाँ तो फिर नेगेटिव हो गया ना वहां पे। यस सर। हाँ भाई और किसी को डाउट है तो आप प्लीज हैंड रेज करेंगे, नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जिसको डाउट है वो हैंड रेज करेंगे। ओके चलिए, तो सेकंड वाले केस में आपको वेलोसिटी जो है नेगेटिव दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने फाई इक्वल टू 180 लिया। बाकी पहले केस से कोई डिफरेंस नहीं है सेकंड वाले केस में, ठीक है? तो किसी को डाउट नहीं है, जिसको डाउट है आप प्लीज हैंड रेस करेंगे और हैंड रेस करके बात करके अपना डाउट सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसमें समय कम लगता है इफेक्टिवली। चलिए अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग कोशिश करेंगे, ठीक है? आप लोग को करना है सॉल्व खुद से।
भाई हमारे पास क्या गिवन है कि टी बराबर जीरो पे, अभी तक मैं आपको क्या दे रहा था कि टी बराबर जीरो पे पार्टिकल कहाँ है, एक्स बराबर जीरो। अब मैं दे रहा हूं कि आपके पास टी बराबर जीरो पे पार्टिकल इज एट एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू। पार्टिकल कहां पर है, ए बाई टू पे, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। ये सब गिवन है भैया, वेलोसिटी पॉजिटिव गिवन है, आपको आपको खुद से कुछ नहीं मानना। पार्टिकल की पोजीशन दी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन दी है, आपको ये बताना है कि फेज कांस्टेंट कितना होगा। सेम आपको ऊपर से स्टेप्स कॉपी करना, करिए ये देखो स्टेप्स भी लिखे हुए हैं ऊपर, स्टेप्स कॉपी करिएगा और नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ करिए। फटाक से सॉल्व करिएगा। दुर्घटना से देर भली यश, मतलब गलत आंसर से बेटर ये होता है कि हम समय लेकर के सही आंसर निकालें। गलत आंसर निकालेंगे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा और कुछ नहीं होगा। समय लीजिए, सही आंसर निकालिए। कुछ आंसर मुझे सही मिल गए हैं, कुछ आंसर गलत भी हैं। ओके अब आ गया ना सही आंसर यश, इसलिए चीजों को। अरे भैया दो आंसर कैसे होंगे, एक ही एक ही एक ही एक ही पोजीशन पे दो दो फाइव, एक ऐसा चम है कि दो ऐसा चम है, एक ही है भाई। जीरो, ओहो ये बहुत खतरनाक आंसर था, मतलब कहीं से भी शुरू करो जीरो। ओह इन्फिनिटी भी आंसर है, वाओ चमत्कारी लोग है यार तुम, सही में। चलिए देखें सॉल्व करते हैं, कर लिया काफी लोगों ने, कर रहे हैं अभी। यस 5/6 इज करेक्ट या फिर 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। चलिए हो गया, अब चैट पे ध्यान कम दें, स्क्रीन पे ध्यान ज्यादा दें, जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ अब खास करके। देखिए तो हमारे पास एसएचएम की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, टी बराबर जीरो पुट करेंगे, टी बराबर जीरो पे x दिया हुआ इस बार a बाई टू, तो हम लिखेंगे a बाई टू इज इक्वल टू a साइन जीरो प्लस फाइव, टी बराबर जीरो पुट करते हुए जीरो हो गए, तो यहां से a से a कैंसिल, तो 1/2 इक्वल टू साइन फाइव। साइन थीटा 1/2 जीरो से 180 डिग्री, जीरो से 360 डिग्री के बीच में दो बार आएगा। साइन थीटा पॉजिटिव होता है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट पे और सेकंड क्वाड्रेंट, तो फाइव की दो वैल्यूज मिलेगी आपको 30 डिग्री और 150 डिग्री। डिग्री में चले जाते हैं, थोड़ा सा लोग कंफर्टेबल ज्यादा महसूस करते हैं, ठीक है, तो 30 डिग्री और 35 डिग्री। नाउ 30 और 150 में कौन सा सही है हमें कौन बताएगा, वेलोसिटी भैया बताएगी। वेलोसिटी के पास गए, वेलोसिटी से पूछा भैया बताओ तुम कौन सही है, तो वेलोसिटी ने बोला कि एक काम करो हमारे में टी इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए, टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वेलोसिटी बताएगी भैया वैल्यू आ गई ए ओमेगा कॉस फाइव। अब कॉस फाइव जो है वो आपके पास ऐसी वैल्यू है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो पॉजिटिव होती है और सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होती है, तो मुझे आंसर कौन सा लेना चाहिए, फाइव इक्वल टू 30 वाला कि फाइव इक्वल टू 150 वाला। 150 पे तो नेगेटिव आ जाएगा और 30 पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई कट कट और ये वैल्यू हो गई सही। आई बात समझ में, तो हमने डिसाइड किया कि हाँ भाई जो फाई है इट इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर फेज कांस्टेंट। तो फेज कांस्टेंट अगर आपके पास 30 है
भाई अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी आपको पोजीशन दी जा रही है और आप फेज कांस्टेंट बता रहे हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है, आपको फेज कांस्टेंट दिया जाता है, आपको बताना है कि पोजीशन क्या है। तो phi इक्वल टू 30 का मतलब यह है कि आपके पास t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल टू a बाई 2 पे है और आपके पास इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 30 डिग्री। ये आपके पास एस्टन की इक्वेशन आई। बात समझ में? अरे बोलो भाई। ठीक है चलिए, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं, मेथड लिख लेते हैं कि हमने मेथड को सीखा क्या। जो मेथड हमने सीखा है उसको लिख लेते हैं नोट करके। वो भी करेंगे भाई, सब करेंगे, परेशान क्यों हो रहा है? फिर जल्दबाजी कर रहा है ना यार, सब एक बार में सीख ले तू है, कल जेई का एग्जाम देने जाना भाई तुझे। तन्मय कुमार, कल जेई का एग्जाम है तुम्हारा, लिखो इसमें टू फाइंड आउट द वैल्यू तरीका जो बताया है उसको लिखवा रहा हूं। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाई, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एट टी इक्वल टू जीरो इन जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इन जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, आई बात समझ में? फ्रॉम दिस वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ फाइव, जैसा कि हमें हर बार मिल रहा है, वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ फाइव इन बिटवीन जीरो से टू पाई। तो 0 से 2 पाई के बीच में आपको हमेशा दो वैल्यूज मिलेंगे। फॉर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फाई चेक द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको फाई की सही वैल्यू निकाल करके देगी। अब एक राज की बात बताते हैं, हमने जो ये तरीका सीखा है ना, ये तरीका यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि जैसे आप लोगों को क्या है कि उतावलापन बहुत होता है, वैसे हर बच्चे को होता है कि जब वो एसएचएम पढ़ता है तो उसको लगता है कि हम जो है बारहवीं में नया नया घुसे हैं तो हम जो है एकदम से सब कुछ सीख लेंगे, जैसा कि ग्यारहवीं में भी होता है। लेकिन वो बारहवीं में रहते क्या होता है कि बच्चे जो है होमवर्क करना छोड़ देता है, पता नहीं क्यों छोड़ता है, ऐसा अपने को नहीं करना। ठीक है, तो ये जो हमने तरीका यहाँ पे सीखा है ना फाई निकालने का, ये तरीका हम आगे कभी यूज नहीं करेंगे। हमारे पास इससे भी बढ़िया तरीका, ठीक है, तो ये तरीका हम आगे यूज नहीं करेंगे, इससे बढ़िया तरीका हमारे पास है। ये तरीका हमने सिर्फ इसलिए सीखा है कि आप फाई का मीनिंग समझ पाए कि फाई क्या बताता है, ताकि जो भी टर्म्स हमारे पास एसएचएम में आ रही हैं, हम एसएचएम स्टार्ट करने से पहले उन सब टर्म्स के बारे में समझ लें कि ये टर्म ये चीज बताती है, ये टर्म ये चीज बताती है और ये टर्म ये चीज बताती है। ठीक है, लेकिन इससे आगे जाकर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, ये बहुत लंबा, इससे बहुत बढ़िया आसान तरीका है मेरे पास, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग, भाई हम पोजीशन की बात तो कर चुके थे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ये अपने आप चल रही है आज पेंसिल। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमने एक इक्वेशन यहां पे लिखी है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन। नेक्स्ट जो चीज हम यहां पे पढ़ने वाले हैं दैट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम।
पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरह से वेरी करती है, इसमें एक पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो ये कि अगर आपके पास दिया हुआ है कि भाई x is equal to a sin omega t plus phi है, तो वेलोसिटी हमने कैसे निकाली, वेलोसिटी निकाली हमने इसको डिफरेंशिएट कर, हमने क्या लिखा v is equal to dx by dt, ये हो गया a, फिर d by dt of sin omega t plus phi, इसमें दो चीजें हैं, एक साइन है और एक ओमेगा टी प्लस फाइव है, अब आपको पूरा डिफरेंशिएट करके भी दिखाता हूं, ए साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, फिर मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको चेन रूल बोलते हैं, है ना। अब ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास, ओमेगा, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा आपके पास, वेलोसिटी आ जाएगा आपके पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो आपके पास फंक्शन है, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है किसका, वेलोसिटी, किसका दिया है भाई, वेलोसिटी का दिया है, और ये जो फंक्शन है ये टाइम के साथ, आई बात समझ में, लेकिन हमेशा टाइम के साथ ही निकालना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे एक चीज और सीखेंगे कि वेलोसिटी जो है वो एक्स के साथ कैसे वेरी करती है, पोजिशन के साथ वेलोसिटी किस तरह से वेरी कर रही होती है, उस चीज को भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो वी इज इक्वल टू ए ओमेगा, कॉस को लिख रहा हूं, देखिए लिख सकते हैं? बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, एक आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी का हमने यहां पे छोटा सा यूज कर लिया है, ठीक है। नाउ अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ए ओमेगा 1 माइनस, ये समझ में आया, किसी को नहीं आया हो तो बोलिए, क्या किया ये मैंने, हमारे पास इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो x बाय ए कितना हो गया, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर कितना हो गया, एक्स बाय ए का होल स्क्वायर, आई बात समझ में। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा भाई, वेलोसिटी आ जाएगा आपके पास इक्वल टू ए ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए, तो ये हो जाएगा आपके पास वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला और आ गया हमारे पास यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है सेकंड वाला, इट इज द वेलोसिटी का फंक्शन एज अ फंक्शन, एज अ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। वेलोसिटी की जगह मैं इसको कहूंगा कि भैया स्पीड है एक्चुअली, क्योंकि रूट के बाहर जो क्वांटिटी आती है वो पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो स्पीड है एक्चुअली, लेकिन पोजीशन के साथ जो है हम वेलोसिटी का डिसाइड कर सकते हैं, ये आपको वैल्यू स्पीड दे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कायदे से हमें प्लस माइनस लगाना चाहिए था, कॉस को जो हमने कन्वर्ट किया तो दोनों वैल्यू आ जाती है वहां पर, लेकिन अभी आपको फॉर्मूला जो याद रखना है वो यही है कि v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेलोसिटी के दो फॉर्मूला आ गए मेरे पास, कौन कौन से, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और दूसरा आ गया मेरे पास ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अरे बोलो, अच्छा अब इस वी इक्वल टू ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि भाई अगर मैं एक वेलोसिटी की मैक्सिमम की बात करूं तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, ये कौन सी बात कर दी भैया, श्रीश कुमार कहना क्या चाहते हो भाई, ये बात हमें नहीं समझ आई। हेलो सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, बोलो सर। ऊपर वहाँ वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव है ना, तो वन माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस रिप्लेस हो प्लस फाइव रूट में कैसे हो गया भाई, ये कॉस थीटा ये पूरा वैल्यू है रामलाल,
cos थीटा है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अंदर ही जाएगा ना, बाहर थीटा अलग yes, तो yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये पाप लगेगा तुम थीटा को साइन से अलग कर दोगे. चलिए तो जो वेलोसिटी मैक्सिमम है ये कब होगा भाई, सही लोग सही आंसर दे दिए आप लोगों ने, बहुत बढ़िया शाबाश. तो वी मैक्स होगा आपके पास जब आपके पास ये वाली टर्म मैक्सिमम होगी. ये मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स बराबर जीरो होगा. तो एक्स बराबर जीरो पे आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम है और वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी आपके पास इट विल बी इज इक्वल टू ए ओमेगा. ये स्पीड है. अब एक्चुअल में वी होता है प्लस माइनस ए ओमेगा. प्लस ए ओमेगा कब, जब आपके पास इस तरफ जा रहा हो. और माइनस ए ओमेगा कब, जब इस तरफ जा रहा हो. डायरेक्शन जो चेंज हुई, मैग्नीट्यूड तो वही रहा. बोलो, डायरेक्शन चेंज हुई, मैग्नीट्यूड वही रहा. तो प्लस माइनस ए ओमेगा दो वैल्यूज हमें यहां से मिलती है, एक ए ओमेगा और एक माइनस ए ओमेगा. ए ओमेगा व्हेन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, माइनस ए ओमेगा मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है. ठीक है. वेलोसिटी मीडियम कब होगी, कब होगी बताइए, जब एक्स की वैल्यू या तो प्लस ए है या फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, दोनों पे है. और x इक्वल टू प्लस ए और माइनस ए क्या है, x इक्वल टू प्लस ए ये वाली पोजीशन है और x इक्वल टू माइनस ए ये वाली पोजीशन है. इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं, जो एकदम बाहर वाली पोजीशन है सिस्टम, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस, राइट. तो वेलोसिटी आपके पास मिनिमम होगी इक्वल टू जीरो एट x इक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी कि आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे. और वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी आपके पास, एट मीन पोजीशन, मतलब मैक्सिमम स्पीड एट मीन पोजीशन और मिनिमम स्पीड एट एक्सट्रीम पोजीशन. अब एक चीज समझते हैं, आपने कभी काइनेमेटिक्स पढ़ा अपने जीवन में, पढ़ा है राइट. काइनेमेटिक्स में आपने कई बार ऐसे सवाल किए होंगे कि एक पार्टिकल जो है वो जा रहा है और जाते जाते उसमें पलटी मार दी, घूम गया किसी पॉइंट से वो लौट गया, और जिस पॉइंट से वो लौटता है क्या वहां पे वेलोसिटी जीरो होती है. यहां भी वही हो रहा, देखो पार्टिकल इस पॉइंट से यू गया और ऐसे लौट गया, तो यहाँ पे आपके पास जिस पॉइंट से टर्न किया है ये वेलोसिटी जीरो है. तो एक्सट्रीम जो है इसके टर्निंग पॉइंट से, यहाँ ये टर्निंग पॉइंट एक्सट्रीम से घूम जाता है. ठीक है, आई बात समझ में. तो एक्सट्रीम्स जो है दीज आर द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ दिस पार्टिकल. आई बात समझ में. चलिए नेक्स्ट. ये हो गई बात वेलोसिटी की. वेलोसिटी के बाद हम चलते हैं किस पे, वेलोसिटी के बाद हम चलेंगे आपके क्या बोलते हैं इसको, एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ये क्या हो गया. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन SHM समझते. अच्छा, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, मीन पोजीशन हमेशा x बराबर जीरो नहीं होगा भाई, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कभी कभी होता, हमेशा नहीं होता. तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करें, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, तुम लोग करो, मैं तो कर चुका एक बार, तो एक बार तुम करो. करो डिफरेंशिएट. एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाय डीटी. कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन की माइनस साइन.
माइनस साइन, बहुत बढ़िया बात है। तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, क्यों, चेन रूल तो लगाना पड़ेगा, जितनी टर्म्स आती है सबको डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल टू ए ओमेगा, माइनस को बाहर रखते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू, यहां से क्या आ जाएगा आपके पास ओमेगा, तो जाएगा आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यस और नो, बोलो आएगा। ये आ गया आपके पास किसका फंक्शन, ये आ गया आपके पास टाइम का फंक्शन, ठीक है। और अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखूं a sin ओमेगा t प्लस फाइव को, तो a sin ओमेगा t प्लस फाइव क्या होता है, देखो यहां तो बहुत डायरेक्ट दिख रहा है यार, x, देखो हम घूम फिर के वहीं पहुंच गए, जहां से शुरू हुए थे वहीं आ गए, कुछ समझ में आया। अरे भाई जब सॉल्यूशन ही इसी चीज का था x, तो आप डिफरेंशिएट करोगे तो वहीं पहुंचोगे ना भाई। मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई ठीक है हमें जो है इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप लोगों को अभी नहीं आता तो अपन स्किप कर, क्योंकि अपन दिमाग पे लोड नहीं लेना चाहते फालतू का। तो जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो मैंने ये बोला कि इस इक्वेशन को जब हम दो बार इंटीग्रेट करेंगे कर करके, तो यहां से आप इस इक्वेशन तक पहुंचोगे, मैंने ये कहा था। अब मैंने इस इक्वेशन को यूज करते हुए फिर एक्सेलरेशन पे गया हूं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यूज करते जब मैं एक्सेलरेशन पे गया तो मैंने दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, और डिफरेंशिएट करके मैं वापस यहीं पहुंच गया, और पहुंचना भी चाहिए था क्योंकि ये इक्वेशन जो है आपके पास ये ऊपर वाली इक्वेशन को ही इंटीग्रेट करके आती है, तो डिफरेंशिएट करने पे जो है वो आना ही चाहिए था, और आया भी सही, यानी कि जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में ओमेगा कैसे आया, मल्टीप्लाई में ओमेगा आया भाई आपके पास इसका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, ओमेगा टी प्लस फाइव का, जो साइन के इसके अंदर एक टर्म है ना, इसको भी डिफरेंशिएट करा बस, तो इसका डिफरेंशिएशन आपके पास ओमेगा आया है, इसमें फाइव कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन वन, और बचेगा ओमेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फंक्शन यहां तक हम निकाल चुके हैं, आई बात समझ में, अरे बोलो। चलिए यहां तक अब हम देख चुके हैं, अब हम बनाते हैं ग्राफ्स, बनाए ग्राफ, बनाए, चलिए बनाते हैं वन बाय वन, हर एक का ग्राफ बनाएंगे। अगेन आई एम सेइंग जितना आप पेशेंस के साथ मेरे साथ पढ़ोगे आपको मजा आए, आप जल्दबाजी करोगे मेरा दिमाग खराब हो जाए, ठीक है, पेशेंस रखिए, सब सिखाऊंगा मैं भाई, मैं सिखाने के लिए तो बैठा और सिखाने की इच्छा रखता हूं, इसीलिए भैया तुम्हारे बैच को पढ़ाने का मुझे बोला गया, नहीं। चलिए तो यहाँ पे आपके पास जो है पहली इक्वेशन है भाई हमारे पास x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इक्वेशन है। अब एक्चुअल में क्या है कि आपके पास ग्राफ तो साइन का बनेगा, यस और नो, ग्राफ किसका बनेगा, साइन का ही बनेगा, लेकिन उसमें दिक्कत कौन करेगा बार बार, एक टर्म फाइव, कौन दिक्कत करेगा, फाइव की टर्म होगी तो आपके पास जो है ग्राफ चेंज होता जाएगा, लेकिन रहेगा तो साइन वाला ही, भाई थोड़ा बहुत आगे पीछे सरकेगा। तो अपन एक काम करते हैं कि पहले हम फाइव बराबर जीरो लेकर के ग्राफ बनाते हैं सारे, क्या लेकर के बनाते हैं, फाइव बराबर जीरो, और फाइव चेंज करने पे ग्राफ कैसे आपको बनाना है वो मैं सीखूंगा, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, बहुत प्यार से आपके सारे ग्राफ बन जाएंगे अलग अलग फाइव के लिए, देखना अगर मैं यहां पे बनाऊं x वर्सेस t ग्राफ,
फाइव बराबर जीरो पे इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। साइन का ग्राफ बनाना आता है सभी लोगों को? ऐसे कुछ बनता है? बोलो ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा? बगल में बहुत लोग पढ़ा रहे भाई। तो ये आपके पास x और यहां पे ये टाइम। x की मैक्सिमम जो वैल्यू जाएगी वो कहां तक जाएगी? प्लस a। और मिनिमम कहां तक जाएगा? ये माइनस a। टाइम पीरियड क्या होता है आपके पास? SHM का टाइम पीरियड क्या होता है बताओ? टाइम पीरियड होता है आपके पास 2 पाई बाय ओमेगा। इसके बाद ग्राफ रिपीट होगा और ये आधा टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा। ठीक है, देखो कोई दिक्कत इसमें यहां तक? इसमें नहीं है तो फिर मैं वेलोसिटी पे चलता हूं। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी मेरे पास? वेलोसिटी की इक्वेशन थी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें भी मैं फाइव बराबर जीरो पुट कर रहा हूं। फाइव बराबर जीरो पुट करूंगा तो क्या मिलेगा बताओ? v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस फाइव। तो यहां अगर आपने x से ग्राफ में साइन का बनाया है तो वेलोसिटी के ग्राफ में किसका क्या बनेगा बताओ? साइन का या कॉस का? इसे को खींच लेता नीचे। किसका बनेगा बताओ? साइन का बनेगा, कॉस का बनेगा? बिल्कुल कॉस का बनेगा। सॉरी हाँ माय मिस्टेक, कॉस ओमेगा टी। सॉरी, थैंक यू। चलिए बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम वेलोसिटी का, कॉस का ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा देख, इट विल बी लाइक दिस। सॉरी, ऐसा, फिर ऐसा, और फिर आपके पास ऐसा, राइट? अरे बोलो यार, थोड़ा सा ड्राइंग का मैं ध्यान रख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे ग्राफ, और कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, राइट? तो यहाँ पे आपके पास जो है हाफ टाइम पीरियड है, हाफ टाइम पीरियड वाली लाइन जो है आपके पास यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी और पूरी टाइम पीरियड वाली लाइन यहाँ पे कर जाएगी। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, जस्ट उसके नीचे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। टू द स्केल तो नहीं बन पाएगा मेरे से क्योंकि यहाँ पे अपन पास ग्राफ पेपर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ यहाँ पे बनेगा। फिर अपन बनाते हैं बच्चे एक्सेलरेशन का। तुम लोग बनाओगे एक्सेलरेशन का कि मैं बनाऊं? ट्राई करो तुम लोग। क्या इक्वेशन थी? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बनाओ, तुम लोग बनाओ। फाइव बराबर जीरो पुट करके एग्जैक्टली। यश, बिल्कुल सही बात बोली आपने। हाँ हर्ष, बनाइए बेटा, बनाइए। पहले जैसा ही बनेगा कि कुछ अलग बनेगा? पहले से थोड़ा सा तो अलग बनेगा यार, एग्जैक्टली सेम तो नहीं बनेगा। एग्जैक्टली सेम नहीं बनेगा भाई।
यस, नेगेटिव साइन से चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। तो जो टर्म आपके पास, देखो ध्यान से, यहां पे क्या है आपके पास, इस जगह पे है आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहां पे है माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। तो माइनस का मतलब ये हो गया कि आपके पास ग्राफ जो है वहां पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, आपको बताते हैं। यू और ये थोड़ा सा खींच लीजिएगा इसको, यहां तक ये बनेगा, ठीक है, आई बात समझ में? अरे बोलो भाई, है ना। नाउ इसमें हम वैल्यूज छाप लेते हैं थोड़ी सी। वैल्यूज ये कि भाई एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बताओ, ओमेगा स्क्वायर ए। और मिनिमम कितनी होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, है या नहीं। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी आपके पास, ए ओमेगा, और मिनिमम कितनी होगी, कितनी होगी मिनिमम बताइए, माइनस ए ओमेगा, नेगेटिव में ए ओमेगा, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ की रेंज आ गई, ये ग्राफ इन्हीं रेंज के बीच में चलेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। देखो एक्स की रेंज देखो, वेलोसिटी की रेंज देखो, और एक्सेलरेशन की रेंज देखो, देखिए सारे ग्राफ देखिए, क्लियर। अरे बोलो, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे हम एक चीज लिखना भूल गए हैं एक्सेलरेशन के बारे में। मेरे पास तो लकीली जगह बची हुई है, आपके पास भी बची हुई है, लिख लीजिएगा कि एक्सेलरेशन का मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, एक्स इक्वल टू प्लस ए पर ओमेगा स्क्वायर ए, और एक्स इक्वल टू माइनस ए पर भी ओमेगा स्क्वायर ए इसका मैग्नीट्यूड रहेगा, राइट। और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास जीरो रहेगी कब, जब आपके पास एक्स बराबर जीरो है, यानी कि मीन पोजीशन। तो हमने जो इक्वेशन डिराइव करी है वो डिराइव करी है एक्स इक्वल टू जीरो को मीन पोजिशन मानते हुए। मैं अगेन कह रहा हूं कि हमेशा एक्स इक्वल टू जीरो मीन पोजिशन रहेगी, कोई जरूरी नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। चेंज होगा, आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपको चेंज पहचानना है, कैसे मीन पोजीशन पहचाननी, सब मैं सिखाऊंगा, तो परेशान नहीं होना उसको, ठीक है। लिख लीजिए पहले यहाँ पे और ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ में अगर किसी को कोई तकलीफ है तो आप अपना हैंड रेज करिए, मेरे से बात करिए, अपना डाउट क्लियर करिए, फिर मैं आगे। हो गया, चलिए और बनाते हैं। दो ग्राफ और है मेरे पास। दूसरा ग्राफ क्या है मेरे पास, वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ हम कैसे बनाएंगे उसको समझ देखिए कि हमारे पास क्या है, इक्वेशन क्या थी बताइए, वेलोसिटी एक्स पे कैसे डिपेंड करता था, v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था, स्क्वायर कर दीजिए इसका, क्या हो जाएगा, सही है। तो इसमें से आपको मिलेगा कि ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहां से मुझे मिला कि वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर। मैंने पूरी इक्वेशन को ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दी, क्या मिला,
ये इक्वेशन मिली मुझे, ये इक्वेशन कुछ जानी पहचानी लग रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। आप लोग कह रहे हैं कि ग्राफ जो है वो इलिप्स बनना चाहिए, बिल्कुल इलिप्स बनेगा। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, पढ़िए ना ऐसी इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो वेलोसिटी वर्सेस एक्स का जो ग्राफ बनता है वो इलिप्स बनेगा। देखिए इट विल बी लाइक दिस, आई बात समझ गए? तो यहां पे वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी, ये ए ओमेगा, ये माइनस ए ओमेगा, ये आपके पास एक्स इक्वल टू प्लस ए और ये आपके पास एक्स इक्वल टू माइनस ए। देखिए ये ग्राफ भी सब बता रहा है, देखो ध्यान से, ये ग्राफ बता रहा है कि एक्स इक्वल टू प्लस ए पर वेलोसिटी जीरो है, एक्स इक्वल टू माइनस ए पर वेलोसिटी जीरो है। एक्स इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी या तो प्लस ए ओमेगा होगी या फिर माइनस ए ओमेगा होगी, है या नहीं? सब बता रहा है कि नहीं बता रहा? ठीक है, अच्छा यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे भाई तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, मैंने जो ग्राफ बनाया है इस हिसाब से, वो ये कि ये जो वर्टिकल लेंथ है ये मैंने कम बनाई है और हॉरिजॉन्टल लेंथ ज्यादा बनाई है। देखो ध्यान से भाई, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट में मैंने वर्टिकल इंटरसेप्ट कम बनाया है और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट ज्यादा बनाया है ना। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने ये माना है कि ए ओमेगा की वैल्यू ए से कम, यानी कि ओमेगा की वैल्यू वन से कम है। लेकिन क्या जरूरी है कि ओमेगा हमेशा वन से कम होगा? नहीं, ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है वन के। ठीक है, तो एक्चुअल में दो ग्राफ और बन सकते हैं, एक्चुअली आपके पास दो ग्राफ और बन सकते हैं, बनाए। ये ग्राफ आपके पास सर्कल भी बन सकता है, इट कैन बी सर्कल ऑल्सो, सर्कल भी बन सकता है। कब? जब आपके पास ये हाइट और ये बराबर हो, यानी कि ए और ए ओमेगा की वैल्यू इक्वल हो, तो ए बराबर ए ओमेगा मतलब ओमेगा इक्वल टू वन में आपके पास ग्राफ सर्कल भी बन सकता है। और एक और केस, सॉरी इस तरह का ग्राफ भी बन सकता है, है ना? तो इस वाले केस में आपके पास ए ओमेगा जो है वो ए से ज्यादा है, मतलब ओमेगा वन से बड़ा है। तो तीनों ही ग्राफ पॉसिबल है, इस चीज का ध्यान रखें, सिर्फ एक ग्राफ बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है, तीनों ग्राफ आपके पास पॉसिबल है। दिख रहे हैं स्क्रीन पे? कोई तकलीफ किसी ग्राफ में तो बताइए मेरे को, मैं सॉल्व करने बैठा हूं। एनीवन, किसी को भी तकलीफ हो आप हैंड रेज करिए, बात करिए मेरे से, अपना डाउट क्लियर करिए। ओके लकी भाई, हेलो सर। सर ग्राफ नंबर थर्ड, थर्ड ग्राफ सर। बोलो सर, थर्ड नंबर ग्राफ समझ में नहीं आया। अरे भाई देखो, वाई इंटरसेप्ट क्या है आपके पास, ए ओमेगा है ना? यस सर।
इस ग्राफ को देखना, अगर मैं इसको यूं खींच लूं तो क्या बनेगा, दिख रहा है? ऐसा हो जाएगा। अगर इसको वापस कंप्रेस कर दो तो क्या ये ऐसा हो जाएगा? यस सर। ए ओमेगा जो यहाँ इंटरसेप्ट है, इस ओमेगा को इंटरसेप्ट को बढ़ा दो ना, यूं कर दो तो क्या वर्टिकल लिप्स हो जाएगा? यस सर। और जब ये आपके पास बराबर हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सर्कल। सर्कल। और जब ऐसा बनेगा तो एलिप्स। वापस एलिप्स। देखो तीनों एक साथ दिख गए ना आपको, एक ही ग्राफ। यस सर। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी का फायदा है। ठीक, ओके सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई तीन तरह के ग्राफ हमारे पास बन सकते हैं v वर्सेस x के, लेकिन जनरली हमें ध्यान रखना है कि ग्राफ जो है वो इलिप्स बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक और ग्राफ है अपने पास, और वो ग्राफ क्या है मेरे पास? एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्टेंस। ओके, ग्राफ नोट करना, करिए आराम से, करिए करिए करिए, नोट करिए। ये भी लिख लेना फिर, नोट कर रहे हो तो। बड़ा जनरल तो कैसे बताए, सब ओमेगा पे डिपेंड करता है ना, वो तो क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर है कि वो क्या उसका फेवरेट है, वो ग्राफ बना के दे देगा और फिर भाई उस पर सवाल पूछ लेगा। जनरल कुछ नहीं कह सकते आप यहाँ पे। जिन लोगों ने कॉपी कर लिया है वो लोग एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बनाए। यस हरीश, गुड। अच्छा, SHM की जो नेक्स्ट क्लास होगी, दैट इज अ नॉट टू मिस क्लास, उसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है SHM का, आपको पूरा समझने के लिए कि कैसे हम आगे जाकर के सवाल बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो प्लीज, दैट इज अ नॉट टू मिस क्लास। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ। एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन क्या थी एक्सेलरेशन की? एक्सेलरेशन वॉज गिवन बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिए ये, क्या आप इसे कंपेयर कर पा रहे हैं वाई इक्वल टू एम एक्स? वाई इक्वल टू एम एक्स किसकी ग्राफ, किसकी इक्वेशन है? वाई इक्वल टू एम एक्स किसकी इक्वेशन है भाई? y equal to mx equation है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की, तो ग्राफ भी कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो इस तरह का कुछ हमारे पास ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मार्क कर देते हैं, पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, है ना, ये a, ये x। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर a, कब, जब x इक्वल टू माइनस a है। x इक्वल टू प्लस ए पे कितना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए, और एक्चुअली यही जो ग्राफ है, यही ग्राफ बनेगा आपका सेम फोर्स वर्सेस x का। सेम ग्राफ विल बी देयर फॉर फोर्स वर्सेस x। क्योंकि फोर्स की इक्वेशन क्या थी, f इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना? तो f इक्वल टू माइनस के एक्स, वही y इज इक्वल टू एम एक्स, आपके पास सेम ग्राफ बनेगा। बनाओ, कुछ नहीं करना, मेरे को थोड़ा सा चेंज करना, हो जाएगा काम। मुझे लिखना है यहां पर
कि भाई ये जो है ये फोर्स है, ये हो गया के ए और ये हो गया माइनस के ए, ये लो ग्राफ बन गया नया। ठीक है, तो सारे ग्राफ अपन ने कोशिश करिए कि एक जगह रख पाए। तो जितनी इक्वेशंस हमने पढ़ी है उन सभी इक्वेशंस के हम ग्राफ बना चुके हैं, भाई कभी भी ग्राफ पे क्वेश्चन आएगा तो हम जो है वहां से सॉल्व कर सकते। ठीक है ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप जब ग्राफ बना रहे हैं तो प्लीज बच्चे इन वैल्यूज पर ध्यान दें कि ये वैल्यूज क्या लिखी है, हम कैसे लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ में आए तो सवाल नहीं हो पाएगा आप। देखो एक्स इक्वल टू प्लस ए पर फोर्स की वैल्यू माइनस के, एक्स इक्वल टू माइनस ए पर फोर्स की वैल्यू प्लस के, ये वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है अपने आप। ठीक है, शिफ्ट कर देंगे ना, जैसे ओरिजिन शिफ्ट कर, तुम एक्स इक्वल टू जीरो मीन पोजीशन के पीछे पड़े रहो भाई। शुरू से लेके अभी तक हम पड़े हुए हैं एक्स इक्वल टू जीरो मीन पोजीशन नहीं होगा तो क्या होगा, शिफ्ट कर देंगे, जैसे आप मैथमेटिक्स में ओरिजिन शिफ्ट करते हैं पूरे सब ग्राफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इनको एक्स इक्वल टू जीरो से नफरत हो गई है। चलिए अब देखो, बहुत काम की बात बताता हूं मैं आपको। ये तीन ग्राफ देखिए, ये तीन ग्राफ हमने कब बनाए थे, देखो x वर्सेस t, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ये तीन ग्राफ हमने कब बनाए, फाइव बराबर जीरो के लिए, यस और नो, है ना। अब मेरी बात सुनिए, आपसे कभी भी कोई भी ग्राफ पूछ सकता है किसी भी फाई के लिए, आपसे कभी भी कोई भी ग्राफ पूछ सकता है किसी भी फाई के लिए, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता, पूछ सकता है ना। तो मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहूं कि मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं छोटा सा, वो ये कि लेट्स से यही बना लेते हैं, एक काम करते हैं, हमने आज सॉल्व किया था उसी के लिए बनाते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, लेट्स से इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे बोला जाए कि भाई आप जो है इसके ग्राफ बनाइए, तीनों ग्राफ, एक्स वर्सेस टी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और पोजिशन एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, इस सिचुएशन आपको बनाने हैं। अरे बोलो भाई, बनाने हैं ना, तरीका बताओ एक बार में बनाने का। देखिए सुनिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों ग्राफ जो मैंने आपको बनवाए हैं वही चिपकाएंगे। मैंने आपको भी तीन ग्राफ बनवाए, यस और नो, बनवाए ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है, मैंने आपको तीन ग्राफ बनाए, आप एक काम करिए तीनों ग्राफ बना दीजिए, जैसा बनाया था वैसा बना दीजिए, जरा दिमाग मत लगाइएगा, जैसा बनाया था वैसा का वैसा बना दीजिए। भाई पहला ग्राफ था मेरे पास x वर्सेस t, सॉरी टुकड़ों में चलना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसा सॉरी, ठीक है, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम क्या था, क्या हमने तीनों ग्राफ ऐसे ही बनाए, बोलो, एक्स वर्सेस टी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, यस और नो, क्या ये तीनों ग्राफ हमने बनाए थे। आपको जब भी कोई भी ग्राफ बनाना हो आप तो तीनों ग्राफ बना लो, आपसे एक्स टी पूछा हो, आपसे वी टी पूछा हो या आपसे ए टी पूछा हो, आपको क्या करना है, आपको तीनों बनाने, ऐसे लाइन से बनाइए। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, आंसर के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है बताइए,
क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि पार्टिकल टी बराबर जीरो पे कहां पर है, एक्स बराबर ए बाई टू पे है या नहीं है? अरे बोलो, पार्टिकल एक है ना क्वेश्चन कि टी बराबर जीरो पे एक्स बराबर ए बाई टू पे, तो सिंपल सा काम करेंगे, देखिए हम एक नया कलर लेंगे यहां से, मान लो अपने येलो कलर से लिया, हमने मार्क किया x बराबर a बाई टू, भाई ये जो पोजीशन है ये आपके पास x इक्वल टू a है या नहीं है, बोलो ये x इक्वल टू a है, बोलो भैया, हमने a बाई टू मार्क किया और a बाई टू को इस ग्राफ से चिपका दिया, अब ये a बाई टू इस ग्राफ को दो जगह कट करता है, करता है या नहीं करता है, a बाई टू इस ग्राफ को दो जगह कट करता है, मुझे कौन सा पॉइंट चाहिए जहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी मैं एक्सटी ग्राफ से कैसे देखूंगा, मैं एक्सटी ग्राफ से वेलोसिटी कैसे देखूंगा, स्लोप, जहां स्लोप पॉजिटिव वहां वेलोसिटी पॉजिटिव, जहां स्लोप नेगेटिव वहां वेलोसिटी नेगेटिव, तो मेरे पास इन दोनों पॉइंट्स में से ये पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू में कौन सा पॉइंट वन है, क्या फर्स्ट वाला है या नहीं है, तो आप एक काम करिए कि पहले वाले पॉइंट पर, पहले वाले पॉइंट पर इस तरह से एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, जो पॉइंट आपको मिल गया ना उस पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, आई बात समझ में, जो पॉइंट आपको मिल गया उस पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, और इसके बाद क्या करना है, टा 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 खत्म, क्या हो गया, ये सारे ग्राफ बन गए, XT पूछो XT बता दिया, VT बोलो VT बता दिया, AT बोलो AT बता दिया, अरे तुम लोग लाइन बना के कर दो ना, क्या दिक्कत है, अरे मिटाओ मत, बोल दो कि ये लाइन के बाद के ग्राफ सही है, मिटाओगे कैसे भाई, आई बात समझ में, बस वही ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, तो हमने जो है तीनों ग्राफ पहले जैसा, देखो मैं क्या कह रहा हूं, हर बार नया नहीं बनाना, आपने जो ग्राफ बनाया है वही बनाइए तीनों ग्राफ, और जहां से बोला है उसके आगे के ग्राफ रख लीजिए, और जो नहीं चाहिए उसके पीछे के ग्राफ हटा दीजिए, खत्म करो, यस, अभी भी मीन पोजीशन x बराबर जीरो ही है, क्योंकि मीन पोजीशन x बराबर जीरो क्यों है, मीन पोजीशन x बराबर जीरो इसलिए है क्योंकि हमने आपको यहाँ पे बना के दिया है, देखो ये सब बना के दिया है, गिवन है, ये रहा देखो ओरिजिनल, ये रहा, मैं इसी फॉर्म में छोड़ूंगा, रब नहीं करूंगा ताकि आपको दिखे हमने किया क्या है, इसी फॉर्म में आपको मिलेगा नोट्स में, मिटा के नहीं दूंगा मैं, ये एक काम करते हैं दोनों कर लेते हैं, दोनों कर लेते हैं ना, मैं दोनों लिख के देता हूं आपको, ये लीजिए रब करेंगे तो ये ग्राफ आपको ऐसे दिखाई देगी, जस्ट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का आसान तरीका, आपको जहां से बोला है वहां से ग्राफ रख लीजिए और बाकी का ग्राफ आप उड़ा दीजिए, ये x वर्सेस t, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये एक्सेलरेशन वर्सेस, ठीक है, दीज आर द फाइनल ग्राफ्स, अरे यार क्या हो रहा है, अपने आप क्यों चल रहा भैया, एक और क्वेश्चन बताऊं इसी पे, एक और दो मिनट लगेंगे, देखिए मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ये दिया होता, क्वेश्चन क्या दिया होता आपको कि पार्टिकल जो है
वो टी बराबर जीरो पे एक्स बराबर ए बाई टू पे था बट उसकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव, मान लो ऐसे दिया होता। आई बात समझ, पार्टिकल टी बराबर जीरो पे एक्स बराबर ए बाई टू पे और वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव, तो क्या x बराबर a बाई टू पे हमें यही दो पॉइंट्स मिलते फिर से, एक ये वाला और एक ये वाला, बताओ मिलते हैं ना, है ना। तो इस बार हमारे पास कौन सा वाला पॉइंट है जहां वेलोसिटी पॉजिटिव है कि जहां वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे कि इस वाली लाइन से आगे का ग्राफ रख लेंगे और बाकी ग्राफ को उड़ा देंगे। तो मुझे जो ग्राफ चाहिए अब की बार वो कहां से चाहिए, अब मुझे ग्राफ चाहिए इससे, इससे आगे आगे का ग्राफ चाहिए यहां से, आई बात समझ में। तो मुझे इस ब्लू लाइन से आगे का ग्राफ चाहिए और इसके पीछे का ग्राफ क्या कर दूंगा मैं, इस तरीके से ब्लीड कर दूंगा, आई बात समझ में। तो जो ग्राफ बचेगा मेरे पास वो आगे के ग्राफ बचेंगे और पीछे के ग्राफ हम डिलीट कर देंगे, आई बात समझ में, बोलो। अरे भाई क्लियर श्योर, तो यहां के आगे आगे के ग्राफ हमें रख आज यहीं तक, आज भी नहीं दे रहा हूं, थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो होमवर्क आपके पास जनरेट होगा तो फिर दिया जाएगा होमवर्क, है ना। तब तक आप जो है नोट्स अच्छे से रिवाइज करिए और जो पढ़ाया है उसको अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए, ठीक है ना। और कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट क्लास हम बिल्कुल मिस ना करें, ठीक भाई। चलिए चलते हैं, मेरी एक और क्लास है। हाँ हैंड आउट, अरे बिल्कुल थैंक यू यार याद दिलाने के लिए, अभी को तो तुरंत भेज रहा हूँ। ओके थैंक यू। SHM हाँ भाई मेरी ऑफलाइन क्लास है अभी, एक आ जाऊंगा पढ़ाने। लास्ट ईयर वाले हैं, इस साल का नहीं है। फ्लूइड की रेस मिली है क्या आप लोगों को? नहीं मिली। देखो सी सेट पे क्या क्या मटेरियल मिला, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा आपसे, है ना। तो एक बार जो है मेरे को बताइएगा तो उसमें से होमवर्क अपन रेस वगैरह में से शुरू करेंगे, ठीक है। SHM चलिए ठीक है, आ गया नोट्स आ जाएंगे बस अभी दो मिनट में। ओके गुड हरीश, थैंक यू, गुड नाइट।